आज के बैग की शुरुआत हम करेंगे 4x24 इंच के फैब्रिक पीस से और इसकी हम बेल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर ये पतले पीस की मेरे पास फोम पट्टियाँ बची हुई हैं, इन्हीं को इसके अंदर डालेंगे और बेल्ट तैयार करेंगे। बीच में रखना है और इसको इस तरह से फोल्ड करके सिल देना है। और ये हमारे पास दो पट्टियाँ तैयार हो गई, ये बेल्ट तैयार हो गई। अब इसके बाद लेंगे हम 10x13 इंच का वन पीस और 3 इंच विड्थ की ये हमारे पास पट्टी है इसी कपड़े की, जिसको मैंने एक साइड से यहाँ से सिल दिया है। और इसमें अब हम यहाँ पर फ्रिल लगाएंगे। इस 13 इंच पर पूरी पट्टी, ये जो हमारे पास पट्टी है 3 इंच विड्थ की, इसकी फ्रिल लगा देंगे। और इसी तरह से दूसरा पीस भी तैयार कर लेंगे फ्रिल लगाकर। अब इन दोनों पीस में फ्रिल लग गई है। अब लेंगे 5x13 इंच का पीस, ये 5x13 इंच का पीस है। अब इसका सेंटर निकालेंगे, ये सेंटर है। सेंटर से थोड़ा सा अप जाते हुए इसको जब फोल्ड करेंगे इस तरह से, ये सेंटर है तो इसके बीच में ये हमारा वेलक्रो आना चाहिए बिल्कुल सेंटर में इस तरह से। अब इस वेलक्रो को यहाँ पर लगा देंगे और ये वेलक्रो 4 इंच का है। वेलक्रो का दूसरा पार्ट दूसरे पीस में लगा देंगे सेंटर निकालते हुए। अब इसको लगाने के बाद जो फ्रिल वाला पीस है उसको लेंगे, इस पर वेलक्रो को ऊपर रखते हुए इसको यहाँ पर फ्रिल के ऊपर जोड़ देंगे। वेलक्रो हमारा ऊपर आना चाहिए। यहाँ पर आपको सिलाई दिखाई दे रही होगी, वेलक्रो इधर है, हम इधर से स्टिचिंग कर रहे हैं। फ्रिल अंदर सीधी होनी चाहिए। सेम प्रोसीजर में दूसरा पीस भी जोड़ देंगे। इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया। इस पीस को लेंगे और इसको भी इसी तरह से जोड़ देंगे। इसको इस तरह से जोड़ने के बाद दोनों पीस को इस तरह से रखेंगे, वेलक्रो को वेलक्रो से चिपका देंगे और साइड से, तीनों साइड से सिल के और पाइपिंग चढ़ा देंगे। अब ये जो जोड़ आया है यहाँ से हम पाइपिंग चढ़ाना शुरू करेंगे। Thank you.
इसको पाइपिंग चढ़ाने के बाद इसको खोलेंगे और इसको यहाँ पर जस्ट हाफ कर देंगे इस तरह से। और इस सिलाई, ये जो सिलाई आई है हमारी, इस पर इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें सिलना है। तो इसको पहले हम सीधा कर लेंगे, और अंदर जो सिलाई है, जो जोड़ आया था पट्टी का, इस पर इसको यहाँ पर मोड़ते हुए इसके ऊपर इसे कवर करते हुए पैक कर देंगे। जो भी पट्टी हमने जोड़ी है इसको पूरा एकदम बराबर करते हुए इस तरह से, अब एक चाकू दूरी पर यहाँ पर मशीन चला देंगे, दूरी बुलाएंगे इस तरह से, इसको पूरा बराबर करते हुए। डबल सिलाई भी हो गई, अब लगाएंगे बेल्ट। ये हमारी बेल्ट है, इसको इस तरह से लगा के यहाँ पर फिर एक साथ अटैच हो चुकी है। बेल्ट लगाने के लिए सेंटर निकालेंगे, ये सेंटर आ गया, सेंटर से 2.5 इंच इधर, 2.5 इंच इधर, टोटल 5 इंच का डिस्टेंस लेंगे दोनों साइड में, उसको मार्क कर लेंगे। ये मार्क हो गया, अब ये बेल्ट ये जो मार्क लगाया है यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे, तो ये जो मार्क है इस के सेंटर में इस तरह से इसको रखते हुए यहाँ पर रखेंगे, स्क्वायर में सिलेंगे, इसका दूसरा सिरा इधर रखेंगे, इसको फोल्ड करेंगे दूसरा सिरा और यहाँ पर स्क्वायर में सिल देंगे।
यहाँ पर हैंडल लगाने के बाद लेंगे बटन। ये मेरे पास वुडन बटन है, अगर आपके पास वुडन बटन नहीं है तो पैंट की जो बड़े साइज की या कोट वगैरह की जो बड़े साइज की बटन आते हैं आप उनको भी ले सकते हैं, स्वेटर वाले बटन भी ले सकते हैं, और इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो एक बटन यहाँ लगाएंगे जहाँ पर ये हैंडल जोड़ा है यहाँ, और दो बैक साइड में। और ये हमने बटन भी लगा दिए। और यहाँ पर मैं सॉरी कहूँगी, मेरा माइक फिर बंद हो गया था, मुँह तार हिल जाता है उसका कभी कभी तो आवाज़ चली जाती है। तो मैं बता देती हूँ फिर से, ये तो बटन लग ही गया, मैं फिर से बता देती हूँ जहाँ से आवाज़ धीमी हुई है वो ये कि जब हमने इसको यहाँ पर जोड़ना स्टार्ट किया, ये देखिए, तो केवल पाइपिंग हमने यहाँ तक चढ़ाई, जैसा कि वीडियो में आप लोगों ने देख के समझ ही लिया होगा, पाइपिंग चढ़ा करके इसको कवर कर दिया। फिर ये जो पट्टी हमने जोड़ी थी 5x13 इंच की, इसको हमने फोल्ड करके और जो यहाँ पर जोड़ आया था उसको दबाते हुए अंदर की तरफ उसके ऊपर चढ़ाते हुए इसको हमने पूरा सिल दिया। और फिर उसको सिलने के बाद यहाँ पर हमने एक चाप की दूरी पर मशीन चला दी, और उसके बाद हैंडल लगा करके हैंडल को यहाँ सेंटर से 2.5 पर यहाँ पर मार्क दिया, सेंटर से 2.5 इधर मार्क किया, और 5 इंच के डिस्टेंस पर इस तरह से बेल्ट को लगा दिया। बेल्ट लगाने के बाद इस पर हमने बटन लगा दिया। तो इस तरह से ये हमारा एक छोटा सा क्यूट बैग कंप्लीट हो गया। इसको आप शॉपिंग के लिए, ऑफिस के लिए, कहीं भी जैसे भी मन चाहे यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, पिकनिक पर यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।